focus. Ideate. Innovate. Enable. भारत के गुलाबी शहर के तौर पर मशहूर जयपुर 1727 में आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। जयपुर अपने दौर के सबसे व्यवस्थित शहरों में शुमार होता था। मौजूदा वक्त में भी इस शहर की पुरानी वास्तुकला के निशान देखे जा सकते हैं। आज के दौर में भी शहर की योजना इसके पुराने इतिहास के मद्देनजर बनाई गई है। जयपुर को बसाने वाले राजपूत राजाओं ने इसकी सुरक्षा के खास इंतजाम किए थे। जयपुर की 7 मजबूत दरवाजों के साथ किलेबंदी की गई थी। जयपुर अपनी संस्कृति और इतिहास को साथ लिए आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, लेकिन क्या ये शहर बचत और निवेश के आधुनिक तरीकों को अपना पाया है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने पहला कदम का काफिला पहुंचा जयपुर। CNBC आवाज और बाजार के दिग्गजों ने यहाँ के लोगों से बचत और निवेश की बारीकियों पर बात की और जयपुर के लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के टिप्स दिए। राजस्थान है वो प्रदेश जहाँ का इतिहास बड़ा भव्य है, पुराना है और वाकई में लाजवाब है। और यहाँ की राजधानी है जयपुर, जो जानी मानी जाती है अपनी खूबसूरती के लिए, अपने महलों के लिए। तो आज हम हैं पहला कदम के सीजन 3 में और सीजन 3 का ये खास एपिसोड कर रहे हैं गुलाबी शहर जयपुर में। न सिर्फ शहर का नाम और इसका रंग गुलाबी है, बल्कि यहाँ का मौसम भी इस वक्त इसी तरह से लाजवाब है, बिल्कुल गुलाबी, हल्की हल्की ठंड वाला। और इस मौसम में जयपुर के तमाम दर्शक हमारे साथ हैं इन्वेस्टमेंट की ABCD सीखने के लिए पहला कदम के इस सीजन में। तो आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं, मुंबई से हैं, हमारे AxisDirect के MD और CEO अरुण ठुकराल साहब और मनीष सबरवाल साहब हैं SBI म्यूचुअल फंड के नॉर्थ रीजन के रीजनल हेड। आप दोनों का भी स्वागत है इस एपिसोड में। तो ठुकराल साहब, साल 2017 तो बड़ा बेहतरीन रहा। शुरुआत में ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने पैसे बन जाएंगे, है ना? उस समय तो डर था डीमोनेटाइजेशन और ये रोर क्या होगा, पता नहीं अगला साल भी आएगा कि नहीं आएगा है, लोगों को तो ये भी डर था। लेकिन देखिए, पैसा भी बना, जमकर बना। तो अब पहले कॉन्फिडेंस कम था, पैसा बन गया, इस बार कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? जैसा आपने बोला कि 2017 के शुरू में थोड़ा डर था, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा रहा और ओवरऑल रिटर्न आपने देखा, लार्ज कैप में ही आपका 25-27% का रिटर्न आ गया और मिड कैप में तो 40 के ऊपर आया और स्मॉल कैप में 60% में आया। बल्कि कई म्यूचुअल फंड्स ने भी, जो स्मॉल कैप और मिड कैप करते हैं, उन्होंने भी, जैसे SBI म्यूचुअल फंड के भी कुछ फंड हैं जो स्मॉल कैप फंड, जो 60%, अगर आपको 60% तरह का रिटर्न मिल रहा है तो फिर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई थिंक पहली चीज़ तो ये है, नए साल में आपको जो सीखना है कि अपनी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट को थोड़ा कम करिए, बिकॉज हर साल 60% 50% आपको नहीं सोचना है। बट क्या इस लेवल पे भी लगता है आगे जाएगा बाजार? तो हमें लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म जरूर जाएगा। शॉर्ट टर्म में कभी ना कभी करेक्शन होता है और हर बुल मार्केट में एक करेक्शन छोटा मोटा होना चाहिए, वो बहुत हेल्दी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बैठे हैं पैसा लेके, अभी भी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास बहुत पैसा है। पिछले साल में 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स में आया है, जो उसके पिछले साल, मतलब लास्ट ईयर, वो 36,000, तो 3 गुना पैसा ज़्यादा आया है। और जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं अभी इंडिया में, अगर हम कहें अभी भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग है, हमें जो रिसेंटली रेटिंग अपग्रेड मिला है, हमारा जो GDP 5 क्वार्टर के बाद अभी रिवर्स हुआ है, हमारे जो कॉर्पोरेट रिजल्ट हैं जो Q2 के एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेहतर थे और अब Q3 और बेहतर लग रहे हैं, मतलब H2 का गाइडेंस जो है वो H1 से अच्छा है, और जो अर्निंग अगर रिवर्स हो रही है तो ग्रोथ साइकिल में अभी हम उस जगह पे हैं जहां से ग्रोथ अब बढ़ेगी। तो अगर उसको देखा जाए तो उम्मीद है कि यहां से भी बाजार आगे जाएगा, बट एक्सपेक्टेशन थोड़ा मैनेज। अच्छा कह रहे हैं तो फिर डर क्यों रहे? हाँ, तो डरने का कारण यही है कि अभी बहुत, जब पूरी दुनिया ये बोलती है कि ये बहुत अच्छा हुआ है और 60% ऑलरेडी आया है, तब वो डर आता है कि कहीं ना कहीं लोगों का एक्सपेक्टेशन है, लोगों को आदत हो गई है देखने की कि हर शेयर, कुछ शेयर 3 महीने में डबल हो रहे हैं, तो वो स्टॉक मार्केट नहीं है। आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है और उस हिसाब से करेक्शन आएंगे। करेक्शन किसी भी वजह से आ सकते हैं, करेक्शन US फेड में कुछ हो जाए, उनका बैलेंस शीट ट्रिमिंग हो जाए, नॉर्थ कोरिया कुछ आपको फिर से डरा दे,
इन्फ्लेशन अभी आपने देखा होगा 4.88 हो गया है, इंटरेस्ट रेट्स मुझे लग रहा है अभी नीचे जाने का कगार पे नहीं है, पहले नीचे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं करेक्शन तो आएगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिए और आप ज्यादा समय के लिए रहिए स्टॉक मार्केट में। आप अभी अगर इस लेवल पे घुस रहे हैं और अगर आपको लगता है 3 महीने में हमें फिर से रिटर्न मिलेगा बहुत ज्यादा, तो उस एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम करिए। बट पिछले कुछ सालों में अगर हम बोलते हैं कि अगर 100 का इंडेक्स अभी 33,000 या 34 के आसपास आ गया है तो 330 गुना हुआ है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि हर साल आपको 40-50-60% मिला है। ओवर ए पीरियड 15-16% का रिटर्न स्टॉक मार्केट में मिला है, और ऐसी ही अगर आपकी मीडियम टू लॉन्ग टर्म की एक्सपेक्टेशन है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आप अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार रखिए, जब कुछ करेक्शन आता है तो थोड़ा पैसा डालते रहिए ज्यादा जो HNI है, और रिटेल इन्वेस्टर तो वैसे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं उसका, तो 4-5% लोग ही डालते हैं, तो उनका तो एसेट एलोकेशन में इक्विटी जो है बहुत कम है, तो उनको तो डालते रहना है थोड़ा थोड़ा। ओके जब मैं शो शुरू करने के पहले सर्वे कर रहा था मनीष जी, तो यहाँ पर बड़े स्मार्ट लोग हैं एकदम, वो फंड में भी पैसा डालते हैं और खुद भी लगाते हैं शेयर, सीधे सीधे खरीदते हैं, तो मतलब उनकी बराबर नजर रहती है कि फंड मैनेजर बराबर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो जिस फंड का जिक्र कर रहे थे ठुकराल साहब, SBI का स्मॉल कैप फंड, और इस साल 80% के रिटर्न दिए इस फंड ने, तो 80% के रिटर्न तो मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत कम लोग उससे ज़्यादा बना पाए होंगे, कोई पोर्टफोलियो में एक दो शेयर चल सकते हैं, तो एक्सपेक्टेशन जाहिर सी बात है कि अब ये रहती कि यार यहाँ से भी पैसा बनेगा, आराम से बनेगा, अच्छे से बनेगा, तो वो बनेगा या नहीं? देखिए लाइफ का है ऑप्टिमिज्म इज अ रियलिज्म। किसी भी मार्केट की बात करते हैं, अगर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, मार्केट ने पिछले जितनी स्टॉक मार्केट की, इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री है, उसने प्रूव किया है हर करेक्शन के बाद मार्केट फिर ऊपर बढ़ा है और उससे ज़्यादा ऊपर बढ़ा है। और मार्केट में अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं उसका एक ही मंत्र है, स्टे इन्वेस्टेड। मार्केट में जब जब अपॉर्चुनिटी मार्केट देता है, मार्केट में करेक्शन आता है, उस वक्त और पैसा लगाइए, बिकॉज पॉजिटिविज्म इज रियलिज्म, और मार्केट ने ऊपर जाना ही है। आज इतना और पैसा लगाने का कॉन्फिडेंस ऊपर होता तभी आता है, यस। जब नीचे होता तो लगता है कि नहीं नहीं अब लगाना नहीं निकालना है। बिल्कुल 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 सही बात है आपका सर। और हम पावर ऑफ हीलिंग वो इक्विटी में है। कैसे पावर ऑफ हीलिंग? आप देखिए जब भी मार्केट नीचे गिरा है हाँ, और उससे ऊपर मार्केट ऊपर गया है, मार्केट नीचे गया और सिर्फ नीचे जाता रहा है ऐसा नहीं होता। मार्केट अगर 50% का करेक्शन भी हमने 2008-09 में देखने को मिला, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया। 2000 में हमने मार्केट का करेक्शन देखा सिग्निफिकेंट, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। तो पावर ऑफ हीलिंग जो इक्विटी में है वो किसी और क्लास और एसेट क्लास में उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, जिसके कारण इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का रिटर्न कंपल्सरी बनना है। बट उसके लिए हमें अपनी ग्रीड और फियर को मैनेज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, दैट इज ऑल्सो। एक सवाल है ठुकराल साहब जो मैं पूछना चाहता हूँ, बात तो सही कह रहे हैं मनीष जी कि कितनी बार 50-50% गिरा और उसके बाद वापस नए हाई भी बने, सही है करेक्ट, लेकिन वो 50% ये 10,500 से गिरेगा या 15,000 से गिरेगा या 20,000 से गिरेगा? पता चला 10,500 रुपया यहीं से गिर गया तो? देखिए आज तक कोई ऐसा इंसान ना तो मुझे मिला है, ना ही शायद वॉरेन बफेट ने भी बोला है कि मुझे भी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मार्केट को प्रेडिक्ट करे। आप सिर्फ एक रीजनेबल एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो अभी आप क्या देखते हैं मार्केट में, अपने आसपास क्या देखते हैं? कुछ साल पहले तक हम बोलते थे क्या तेल का कीमत $100 के ऊपर है, हम देखते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, हम देख रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट का कुछ पता नहीं है कहाँ जा रहा है, हमारा कैड कहाँ जा रहा है, हमारा GDP नीचे गिरना शुरू हो गया था। तो अभी ये सब चीज़ें तो पॉजिटिव दिख रही हैं आपको, ये सब तो चेंज हो गया है। तो अगर इंडिकेटर सारे हैं मैक्रो इंडिकेटर, तो ग्रोथ अगर सिर्फ इंडिया में है, अगर हम बोलते हैं इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, तो मनी विल चेज ग्रोथ। अभी ग्लोबल ग्रोथ भी शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी वो एमर्जिंग मार्केट में एलोकेशन करते हैं। तो पिछले साल जुलाई तक $9 बिलियन FIA ने डाला था, उसके बाद कुछ सेलिंग शुरू हुआ, वो घट के 5-5.5 आ गया और फाइनली फिर 8.5 बिलियन बंद हुआ, और इंडियंस ने तो 16 बिलियन डाला। तो अगर 3 गुना पैसा ज़्यादा आ रहा है, इंडियंस जो हैं वो इतना पैसा डाल रहे हैं, ये साल 2017 इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस साल पहली बार हमें लगा है हमें इंडिपेंडेंस जो मिली है वो FII फ्लो से मिली है। जो भी माल उन्होंने बेचा है वो सब इंडियंस ने खरीदा है। जो 65-70 लाख SIP थी जयपुर वालों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। हाँ जयपुर वालों का तो है, जयपुर वालों को पैसे भी बहुत है इनके पास, अच्छा पैसे भी बहुत है
कॉन्फिडेंस भी बहुत है यस, और लगाते भी। और एक्चुअली जयपुर में तो मुझे लगता है मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कैसे खेलना है, कैसे पैसा बनाना है। राजस्थान के बड़े बड़े दिग्गज तो बॉम्बे में आके बैठे हैं, एक तो मेरे राइट साइड में बैठे हैं जो सारा दिन लोगों को बताते हैं कि आप मार्केट में कैसे लगाइए। तो यहाँ पे तो वो कल्चर है, यहाँ तो खून में है कि पैसा कैसे बनाना है, वो समझ में आता है, बिजनेस समझ में आता है। आप लोगों को पता है कि ये एक बिजनेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जिस कंपनी का आप बिस्किट खाते हैं आप उसका शेयर भी खरीदते हैं, अगर आप एयरलाइन से जाते हैं तो आप एयरलाइन का शेयर भी खरीदते हैं। तो यहाँ तो समझ है बिजनेस का। पहला कदम है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज है हम जयपुर शहर में, हमारे साथ है हमारे दो खास मेहमान अरुण ठुकराल और मनीष सबरवाल। हम बात कर रहे हैं जयपुर के सभी दर्शकों से। चलिए, एक तो तरीका यह कि जो अच्छा है महंगा है वो खरीदा जाए, और दूसरा ये कि अब ठीक है कुछ चीज़ खराब भी है, कुछ सेक्टर्स कुछ स्टॉक्स खराब भी है, लेकिन वो प्राइस में है। तो 2018 में क्या जो शेयर नहीं चले 2016-17 में वो चलेंगे, या जो चल रहे वही चलेंगे? देखिए, वॉलेटिलिटी इज़ अ टेम्परेरी एंड द ग्रोथ इज़ अ परमानेंट। अगर हम उसको समझेंगे तो किसी जिस सेक्टर में भी टेम्परेरली करेक्शन आता है, दैट इज़ अगर उस सेक्टर की विजिबिलिटी मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है तो उसमें पैसा बनना ही बनना, देर इज़ अ नो सेकेंड थाट। तो इसलिए मेरा द्वारा फिर कहने का वही कह रहा हूँ, समय और समझ अगर आके आपके पास है तो प्रॉब्ली डायरेक्ट स्टॉक आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, बट अदरवाइज आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड की किसी भी डाइवर्सिफाइड फंड में, लार्ज कैप फंड में अपना मेजॉरिटी ऑफ द पैसा इन्वेस्ट कीजिए, और वो आपके लिए ग्रोथ क्रिएट करके देगा ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और अपॉर्चुनिटी मार्केट में हमेशा रहती है, मार्केट में ये नहीं है चलती मार्केट में ही सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, चलती मार्केट में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, उसमें गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब मार्केट टेस्टिंग टाइम्स पे है उस वक्त फंड मैनेजर कॉशियसली कॉल लेते हैं, उस वक्त जो स्टॉक्स ऐड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में वही सिग्निफिकेंट रिटर्न देके जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको कुछ स्टॉक्स में से प्राइम स्टॉक आप चुनते हैं उस वक्त। तो इसलिए जब भी वॉलेटिलिटी हो दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटी टू एंटर एंड टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म। अच्छा, तो मनीष जी, मैं जहाँ भी जाता हूँ सब लोग फंड के बारे में एक ही सवाल पूछते हैं, स्टॉक तो अलग अलग पूछते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है खराब है क्या है क्या नहीं, फंड के बारे में ऐसा कभी नहीं पूछते हैं कि ये फंड है अच्छा है खराब है। जी, बहुत इज्जत देते हैं फंड्स को सबको, खाली एक ही सवाल पूछते हैं, अनिल जी सबसे बेस्ट फंड बता दो तो ये बेस्ट फंड कहाँ कौन सा होता है सर? हाँ देखिए जी, बेस्ट फंड एक मिथ्या है सब लोग उसी को ढूंढ रहे हैं सबको उसी को ढूंढ, और बेस्ट फंड आपके लिए क्या है वो चुनना जरूरी है। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, आपका टाइम होराइजन कितना है, हाँ, और आप किस पर्पस के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो तीनों चीज़ों को चुन के आप फंड को चूज करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा फंड होगा। वो अच्छा फंड आपके लिए लिक्विड फंड भी हो सकता है, वो अच्छा फंड आपके लिए स्मॉल एंड मिड कैप फंड भी हो सकता है। तो इसलिए अपना ऑब्जेक्टिव, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और टाइम होराइजन, इन तीन चीजों को ध्यान में रख के अगर फंड चुनेंगे वही हमारे लिए अच्छा फंड होगा। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, टाइम होराइजन और अपने ऑब्जेक्टिव किस पर्पस के लिए, क्या पर्पस से, ताकि आपको पता रहे कि भाई मेरा ये पर्पस पूरा हो जाए, मैं पैसा निकाल। यस, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताइए ठुकराल साहब, आप तो खाली इक्विटी में ही पैसा लगाने के लिए कहते हैं, बाकी किसी में नहीं लगाए? देखिए, गोल्ड, रियल एस्टेट, फिक्स इनकम। गोल्ड तो पिछले 10-15 सालों से, जब FII इंडिया में शेयर खरीद रहे थे, इंडियंस गोल्ड खरीद रहे थे, वो चेंज हुआ है पिछले 1-2 सालों से, जब सडनली इंडियन रिटेल इन्वेस्टर को भी ये समझ में आ गया कि हमारा गोल्ड तो हमारी खुद की कंपनीज है। क्योंकि गोल्ड की अगर आप रिटर्न देखें पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिटर्न है, 2 साल का रिटर्न कुछ 2-3% है। तो अगर इस तरह का रिटर्न है, क्योंकि उसमें करेंसी मूवमेंट पे ही आपको पैसा बना, लेकिन उसमें एक चीज है ना ठुकराल साहब, 3 साल से पैसा नहीं बना गोल्ड में तो फिर बन भी तो सकता है इस साल। हाँ तो सही कह रहे हैं, लेकिन गोल्ड जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भी अगर आप देखें, 1980 से अगर मैं इंडेक्स देखूं तो 17% बना है, तो गोल्ड का शायद 8-10% बना होगा, लेकिन वो भी करेंसी की वजह से ज्यादा बना है। और गोल्ड प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, इक्विटी में तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो गोल्ड आप रखिए, अगर आपको लगता है हेज करना है तो आप 5% रख लीजिए, 10% रख लीजिए, उससे ज़्यादा गोल्ड हम नहीं सजेस्ट करते। और रियल एस्टेट के लिए भी आपका जो रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड है वो 2% है आजकल,
और कमर्शियल में 8-9% है, और जो रेजिडेंशियल में जो पहले अपॉर्चुनिटी थी लास्ट ईयर बजट में सेकंड हाउस पे, वो भी निकाल दिया जो इंटरेस्ट सेट ऑफ मिलता था, तो उसको और अनएट्रैक्टिव करा दिया। और डीमोनेटाइजेशन के बाद अगेन रियल एस्टेट का रेट और कम आ गया, बिकॉज थोड़ा अगर कैश भी लोग यूज़ करते थे तो वो भी नहीं हो सकता है, और वो कैश जो घर में रहता था वो म्यूचुअल फंड्स में आ गया, क्योंकि वो पहले बैंक में आया और बैंक से फिर वो म्यूचुअल फंड में आया। तो फाइनेंशियल एसेट्स जो हम आजकल बोलते हैं, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स जो हो गया है, तो गोल्ड और रियल एस्टेट थोड़ा पीछे आ गए हैं, और इक्विटी में सिरदर्दी कम है। घर खरीदा आपने, किसको किराए पे देंगे, कब रिपेयर कराएंगे, कब स्टैम्प ड्यूटी कराएंगे, बेचने जाओगे तो बायर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बहुत शौक है, और वैसे भी इंडियंस जो हैं बहुत सालों से घर ही खरीद रहे हैं, गोल्ड ही खरीद रहे हैं, तो अब तो इसको चेंज करिए, अब तो देखिए आसपास कि क्या हो रहा है। तो वो चेंज हम देख भी रहे हैं, मतलब इतना जबरदस्त इक्विटी फ्लोज इस साल आए हैं कि वो सब चेंज हो गया है। तो हमें बहुत खुशी है कि अभी इंडियन रिटेल इन्वेस्टर को ये समझाना नहीं पड़ रहा है, जैसे हम हर जगह जाते थे कि अभी म्यूचुअल फंड SIP क्या है, सबको पता है, शेयर मार्केट के बारे में काफी आइडिया हो गया है। तो आई थिंक हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। बहुत मेहनत की सर, मेहनत, हाँ, बहुत सारे ऐसा से लगे हुए हैं। ये पहला कदम जैसा एक इनिशिएटिव है। पहले तो ये हाल था कि लोग सुनने को ही तैयार नहीं, मतलब म्यूचुअल फंड में क्यों लगाना है, गारंटी क्या पैसा बनेगा, मतलब पहला सवाल ये आता है गारंटी क्या पैसा बनेगा, फिर समझाना पड़ता भाई वो भी मार्केट में से ही पैसा बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी सीनियर सिटीजन्स भी हैं मनीष जी, और दो समस्या है उनके लिहाज से। एक तो ये कि मार्केट लाइफ टाइम हाइपर हैं, और जाहिर सी बात है कि एज फैक्टर उनके फेवर में बहुत नहीं होता, तो उनके लिए इक्विटी में पैसा लगाने में रिस्क ज़्यादा है। दूसरी तरफ अब ब्याज दरें धीमे धीमे बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, तो उनका आगे का काम ठीक ठाक चले आराम से, जो कुछ पैसे बचाए उन्होंने रिटायरमेंट के बाद तक के, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए, जो सीनियर सिटीजन का ना, उसमें क्लासिक जैसे आपने बताया कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, तो इसलिए हमने इक्विटी में नहीं लगाना, ये परसेप्शन भी गलत है। कि क्योंकि हमें हिंदी में कहावत है, कहते पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जो हम धन संचय करते हैं है, वो अपनी नेक्स्ट, हम सारा उसको अपने लिए खर्च नहीं करते, हम अपने लिए इतना तो हम उस नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं। हम जो पैसा आपको अपने आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल के लिए खर्च के लिए चाहिए पैसा, वो आपका डेट में होना चाहिए, फिक्स इनकम में होना चाहिए, उसमें कोई शक शंका गुंजाइश नहीं है। जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं पैसा, वो आपका पैसा इक्विटी में होना चाहिए। और इक्विटी में टाइमिंग करना इज वेरी टफ। टाइम है, आज अगर मार्केट ऊपर आया तो कितने का करेक्शन हो जाएगा, 10% का, 15% का, 20% का करेक्शन अगर हम मान लेते हैं, तो 100 रुपये की 80 रुपीज़ रह जाएंगे। बट लॉन्ग टर्म में अगर हमने देखा है, पिछले 35 सालों में 100 रुपये के 31,000 बने हैं, BSE सेंसेक्स की बात करते हैं। तो हम उस जो रिस्क है उसको देख के इतना बड़ा गेन हम लूज कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जो हमें चाहिए वो पैसा डेट में चाहिए, जो हम नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं वो डेफिनेटली वो पैसा है इक्विटी में लगना चाहिए। हाँ, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लमसम भी लगा सकते हैं और अगले 3-6 साल के STP करके भी उस पैसे को एंटर आप इक्विटी में कर सकते हैं। बट इक्विटी में हमारा पैसा इन्वेस्ट होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम पैसे को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तभी हम मीनिंगफुल पैसा अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जाएंगे, नहीं तो वो अपनी इन्फ्लेशन को भी बीट करने में असमर्थ होंगे उस पैसे से जो आप छोड़ के जाएंगे। ये आपने अच्छा आइडिया दिया, क्योंकि जनरली आम धारणा ये रहती कि भाई मेरे बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए घर-वर छोड़ के जाएं, गोल्ड छोड़ के जाएं, लेकिन वो धारणा बदल के अब कुछ न कुछ अच्छा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो या कुछ अच्छे शेयर उनके लिए छोड़ कर जाएं, तो वो शायद ज़्यादा आपको याद करेंगे कुछ सालों बाद, राइट। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पहला कदम के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं जयपुर के दर्शकों से, और ब्रेक के बाद लेंगे उन्हीं के सवाल, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं जवाब देने के लिए तैयार, तो लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो पहला कदम सीजन 3 जयपुर के इस एपिसोड में वक्त है अब दर्शकों के सवाल लेने का। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स अरुण ठुकराल साहब और साथ ही मनीष सबरवाल साहब हमारे साथ हैं दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले दर्शक, हाँ, पूछिए अपना सवाल। माय नेम इज गौरव जैन। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि SBI स्मॉल कैप में इस साल 80% का रिटर्न आया है, तो अगर हम उसको आज से SIP स्टार्ट करते हैं तो हमें 80% तो नहीं चाहिए, अगर 25-30 भी मिल जाए तो आपका क्या थॉट है इस पर कि हमें आज से SIP करनी चाहिए SBI स्मॉल कैप फंड में?
कितने संतोषी हैं, 20-25% से संतुष्ट हैं जी। देखिए मेरा आपको जवाब यही है कि आपको रिटर्न चेज नहीं करना चाहिए, रिटर्न को देख के फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको देखना क्या चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी, अपना रिस्क एपेटाइट और अपना होराइजन, वो आपको रिटर्न डिलीवर करेंगे, ठीक है। इसलिए रिटर्न तो फंड्स का, स्कीम्स का रिटर्न ऊपर नीचे होता रहता है। आज उस पिछले साल में 80% का रिटर्न दिया, हो सकता है अगले साल में वो 20% का रिटर्न दे, या नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। तो इसलिए रिटर्न को देख के अगर हम फंड चेंज करेंगे तो हमें हर साल अपने फंड चेंज करने पड़ेंगे। तो इसलिए किसी भी अच्छे फंड में अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, वो चुनिए और उसमें निवेश कीजिए। वो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो मार्केट ओरिएंटेड रिटर्न उसमें मिलना है, मार्केट को आउट परफॉर्म करके जो रिटर्न मिलना है वो मिलना ही मिलना है। इसलिए रिटर्न शुड नॉट बी दी ओनली पैरामीटर जब आप किसी फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए सिंपल चीज़ है, वो कहते हैं कि तिल से ही तेल निकलेगा, राइट। तो बाजार चलेंगे तो फंड पैसा बनाएंगे। 12-13%, 14% रिटर्न आप लार्ज कैप शेयरों से उम्मीद रखें सालाना, वो ठीक है। मिड कैप शेयरों से 15-16% की उम्मीद रखें, स्मॉल कैप शेयरों से 18-20% की उम्मीद रखें, लार्ज कैप के लिए मिनिमम 3 साल का पीरियड रखें, मिड कैप के लिए मिनिमम 5 साल का पीरियड रखें और स्मॉल कैप शेयरों के लिए मिनिमम 7 साल का पीरियड रखें। और ये सोचकर पैसा लगाएं तो 20% के आसपास के रिटर्न बन सकते हैं, रीजनेबल चांस है कि बन जाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अपन शेयर्स के बारे में या म्यूचुअल फंड्स के बारे में सबसे बड़ी परेशानी इन्वेस्टर को ये होती है कि सही किस इक्विटी में या किस शेयर्स में पैसा लगाएं या किस म्यूचुअल फंड में लगाएं, उसका सिलेक्शन का क्या पैरामीटर है और क्या किस तरह। देखिए मेरा जवाब फिर वही है, म्यूचुअल फंड चुनने से पहले आपको अपना एडवाइज़र चुनना है जो आपके लिए वो सारा काम करेगा। हम अपने डे टू डे बिजनेस में, अपने डे टू डे कामों में इतने बिजी रहते हैं कि हम ट्रैक नहीं कर सकते। तो इसलिए एक अच्छा एडवाइज़र आप चुनिए आप, और उसके थ्रू वो आपको आपके रिस्क को देखते हुए, आपका टाइम होराइजन देखते हुए, आपका कैसी आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसको देखते हुए वो आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट चुन के देगा। तो ये कोई हम जो स्पेसिफिकली वेबसाइट पर जाके हम देखें भी किस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो मेरे लिए अच्छा है, वो प्रॉबेबली आपके लिए अच्छा हो सकता है और अच्छा नहीं भी हो सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना एक एडवाइज़र, अच्छा एडवाइज़र चुनिए, वो आपके गोल्स ओरिएंटेड प्लानिंग करेगा ताकि अपने गोल्स को मीट आउट कर सके। 80% जो हम अपनी रिटर्न नहीं कमा पाते, इंडेक्स की रिटर्न है चाहे वो फंड्स की रिटर्न है, वो इसलिए क्योंकि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। जो अच्छा एडवाइज़र है वो आपके, सपोज आपको वो अच्छा फंड नहीं भी चुन के देता, बट अगर आपका वो इमोशन को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गया तो आप इस मार्केट से पैसा बना के जाएंगे। इमोशन को कंट्रोल करना वो बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, म्यूचुअल फंड इज़ अ डल जॉब इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज़ अ डल जॉब, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और जिसमें एक्साइटमेंट नहीं है उसी में आपका पैसा बनेगा। ग्रीड और फियर से ऊपर उठ के अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उन टाइम्स को मैनेज करेंगे जब मार्केट 30% का करेक्शन हो गया, उस वक्त भी आप अपनी SIP को कंटिन्यू करेंगे, उस वक्त ही आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जब डिस्काउंट सेल स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, और वो तब है जब आपका हैंड होल्ड करने वाला एक अच्छा एडवाइज़र हो। तो इसलिए अच्छा एडवाइज़र चुनना बहुत ज़रूरी है अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। मैं एक आपसे म्यूचुअल फंड के बारे में पूछना चाहता था सर, 10 साल में मुझे 5 करोड़ रुपये चाहिए तो मुझे कितने रुपये महीना लगाना पड़ेगा और कौन से फंड लूँ? सवाल तो सही है सर, एकदम आपका चेला हूँ सर। हाँ बिल्कुल सही है, 10 साल में 5 करोड़ और 13 रुपये महीना लगाऊं और कौन से फंड लूँ? फंड तो देखो, फंड के लिए तो आपका एडवाइजर बताएगा, लेकिन कितने रुपए महीने लगाने ये मनीष जी बता सकते हैं? देखिए लगभग 2 लाख रुपया महीना आपको हर महीने लगाना पड़ेगा, और अगले 24 लाख रुपया आपने हर साल लगाया, और अगले 5 साल में आपने 1.25 करोड़ रुपया लगाया, हाँ, तो आपके 2.5-3 करोड़ रुपये बनेंगे अगर हर महीने आपके SIP के थ्रू आप वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। तो 4 लाख रुपये महीना आप लगाएंगे तो आपके पास 5 लाख के अप्रॉक्सीमेट 5 लाख से ज्यादा पैसा आपके पास, अगर 15% का मार्केट आपको रिटर्न दे। आपका SBI ग्लोबल मैग्नम फंड है जी, जी बहुत अच्छी ग्रोथ है, मैंने 10 साल हो गए उसमें जमा कराते कराते जी जी, तो अच्छा है और रिटर्न है उसमें जी जी। हाँ आगे से आगे दीजिए जरा भाई साहब माई। सर मेरा सवाल आप तीनों से ही है सर, मैं चाहता हूँ कि निफ्टी या सेंसेक्स किस तरह से खरीदा जा सकता है? अरे बड़ा आसान है, छुरा साहब
निफ्टी आपको निफ्टी यूनिट्स खरीदने हैं तो आप हमारे पास एक्सेस डायरेक्ट के पास अपना खाता खोल दीजिए, इससे आसान तरीका कोई नहीं है। नहीं सर, निफ्टी या सेंसेक्स को कैसे खरीदा जा सकता है? देखिए निफ्टी जो है 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स है और सेंसेक्स 30 स्टॉक का इंडेक्स है, दोनों अलग अलग हैं। एक बीएससी सेंसेक्स है और निफ्टी जो है वो एनएससी चलाता है। ये नाम में फ़र्क है, मोस्टली कंपनीज मोर और लेस सिमिलर हैं, निफ्टी में शायद 20 कंपनीज ज़्यादा हैं, बट आप जो उसमें पैसा लगा रहे हैं बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मुझे इंडेक्स में पैसा लगाना है जी। तो आप ETF में पैसा लगाने की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ETF फंड हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही कोई कॉम्पोजिशन चेंज होता है सेंसेक्स का या निफ्टी का, तो उसी हिसाब से वो फंड मैनेजर भी उसको या चेंज करके उसी अनुपात में डाल देता है, तो आपका रिस्क कम होता है और इसमें एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं जी। तो ये भी एक बाहर के कंट्रीज में तो इसमें ही ज़्यादा पैसा लगता है ETFs में। यहाँ पे इंडिया में क्या है इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में, बिकॉज अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल है आउट परफॉर्म करने का, इसके लिए यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं, बट अदरवाइज निफ्टी या सेंसेक्स दोनों जगह आप पैसा लगा सकते हैं BSE। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, पहला कदम के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं जयपुर के दर्शकों से, और ब्रेक के बाद लेंगे उन्हीं के सवाल, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं जवाब देने के लिए तैयार, तो लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अग्रवाल साहब से निवेदन आपसे भी है कि ये जो ब्रोकरेज में जो बार्गेन और नेगोशिएशन है, जो आदमी जानता है वो थोड़ा नेगोशिएट करता है उसको कम हो जाती है, अदरवाइज बहुत अच्छी है ब्रोकरेज लगा देते हैं, इस पर थोड़ा सा आप जो है जो कुछ मदद कर सकें मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए, तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास तो अभी ऑप्शंस में तो जीरो ब्रोकरेज है, पूरा इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। एक मिनट, ये तो जीरो ब्रोकरेज तो ठीक है, हम तो राजस्थान के मारवाड़ी हैं। अच्छा ये बताइए, आपके साथ ट्रेड करने पर आप ऊपर से पैसा कब दोगे? ब्रोकरेज नहीं ले रहे हो तो ठीक है दुकराल साहब, हमारी तो ये डिमांड है, तो आई थिंक दैट इज द एक्सपेक्टेशन, बट जो नेगोशिएट करते हैं वो हम उसी के साथ करते हैं जिसका वॉल्यूम है, तो ये हम बार बार यही समझाते हैं कि अगर आपका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो देर इज एक मैट्रिक्स होता है कि अगर किसी का इतना वॉल्यूम है तो उसको इतना कंसेशन मिलेगा, और जैसे ऑप्शन में जीरो है, लेकिन आज तक मैं हर जगह यही बोलता हूँ, मुझे एक ऐसा इंसान मिला नहीं अभी तक जो ये कहे कि मैंने ब्रोकरेज में पैसा तो बचाया है पूरा जिंदगी और मैं बहुत रिच हुआ हूँ। रिच कौन हुआ है? अच्छी रिकमेंडेशन से आदमी रिच हुआ है, अच्छे स्टॉक से रिच हुआ है। तो हमारे जो आइडियाज आते हैं, हमारा जो पिक ऑफ द वीक आता है, तो 75-80% जो हम टारगेट को हिट करते हैं, 9-12 महीने का हमारा टारगेट होता है, उससे पहले हिट करते हैं। तो अगर एक भी स्टॉक में आपको अच्छा पैसा बन गया है तो पूरे साल का ब्रोकरेज आपका उसमें निकल जाता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, लेकिन अगर आप अच्छा वॉल्यूम देते हैं, अगर आप ऑप्शन करते हैं, तो हमारे पास अच्छे प्लान्स हैं। सर सिंपल है, जितनी ब्रोकरेज है ना वैसी सर्विस मांगिए, और जैसी सर्विस मिल रही वैसी ब्रोकरेज दीजिए। रिक्शा में जा रहे हैं तो रिक्शे के पैसे दीजिए, ओला में जा रहे हैं तो ओला के दीजिए, सिटी बस में जा रहे हैं तो सिटी बस के दीजिए, सिंपल है। तो हर एक चीज़ की अपनी वैल्यू है आपको। हाँ पता चला आप पैसे तो दे रहे हैं, ओला के बिठाए आपको रिक्शे में, वो वाला नहीं होना चाहिए, वो जरूर ध्यान रखिए। यहाँ आगे दीजिए भाई एक माइक। सर अभी SBI म्यूचुअल फंड से कहा गया कि आप एक अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करिए या एडवाइज़र सेलेक्ट करिए, लेकिन मैं पहला कदम के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की डेट में हम किसी भी बैंक में जाते हैं तो बैंक अपने प्रोडक्ट के बजाय म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस को इमीडिएटली प्रमोट करता है, और बिना कुछ जाने पूछे वो सीधा कहता है कि आप ये म्यूचुअल फंड ले लीजिए। तो पहला कदम में सबसे पहले हम ये देखें कि जो इस तरीके से बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बिना फाइनेंशियल प्लानिंग किए हुए कस्टमर की जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उससे हमें जो नुकसान होने वाला है भविष्य में वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। अभी हम चूंकि बढ़ते हुए मार्केट में हैं इसलिए सभी कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जिन कस्टमर्स का नुकसान होगा इस तरह की गलत एडवाइस से, वो भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा फैक्टर है जो ऐसा है। हम सारे बैंक्स को नहीं बदल सकते, सारे बैंक्स के एम्प्लॉयज को नहीं बदल सकते, इसलिए हम आपको बदल रहे हैं। जिसका पैसा उसको ही बदल दो, समस्या खत्म। तो सिंपल चीज़ें मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि आपको कोई कुछ भी बेचे, आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना, वो सिंपल चीज़ है। गाड़ी में भी जाते तो लोग हल्ला लगा के बेचते ना कि ये खरीद लो वो खरीद लो, आपको खरीदना है नहीं खरीदना आपको डिसाइड करना है, ये ले लो ये आपके लिए बेस्ट है। आप सवाल पूछो ना, बिना सवाल पूछे आप क्यों ले लेते हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ पहला कदम Season-1 के एपिसोड देखिए, वहाँ पर हमने ये बताया भी है कि किस तरह से एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र चुनना चाहिए, उस पर मैंने पूरा 1 घंटे का एपिसोड किया है,
आप जाकर एक बार PEHLAKADAM.IN की वेबसाइट पर देखिए। तो मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि आप दूसरों को बदलने मत चलिए, खुद बदलिए। हमें सिर्फ हमारे इन्वेस्टर्स को बदलना है, दूसरे सब अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। मुझे पूछना था सर, अभी जैसे आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर और एयरलाइंस वगैरह की बात करी, तो ये तो बहुत टाइम से चल रहे हैं ये सारे सेक्टर्स, तो आपका फ्यूचर और कौन से नए सेक्टर्स चल सकते हैं? लाइक मुझे लगता है कि शायद रेलवे सेक्टर ज़्यादा चल सकता है, इलेक्ट्रिफिकेशन और नए कोचेज वगैरह बन रहे हैं। सो नए सेक्टर्स आप जानना चाहती हैं और रेलवे पे? ठुकराल साहब बताइए। तो आपने सही बोला कि ये सेक्टर जो आपने बोले वो तो चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। नए सेक्टर्स में हम इंश्योरेंस पे बहुत बुलिश हैं। आपने देखा होगा अभी इंश्योरेंस के कुछ IPO भी आए, और अभी इंडिया में जो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का वो बहुत कम है, तो अगले कुछ सालों में इंश्योरेंस एक अच्छा सेक्टर है। और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा चले नहीं हैं लेकिन हम बहुत बुलिश हैं, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, जैसे केमिकल सेक्टर है, बिकॉज यहाँ पर अभी हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ गया है। जो पहले ये चाइना में सब जाता था बिजनेस, अब वहाँ वेजेस बढ़ गई हैं, तो ये अब यहाँ पे इंडिया में वेजेस कम हैं, तो उस हिसाब से टेक्सटाइल आगे चलेगा, केमिकल चलेगा, और बाकी जो हमारे एवरग्रीन हैं ऑटो एंसिलरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी काम होगा अभी, बिकॉज अभी तो कुछ भी नहीं हुआ इंडिया में, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए। तो ये सब सेक्टर्स पर आप ध्यान रखिएगा। तो सर रेलवे सेक्टर पे आपका? हाँ, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है, तो इन्वेस्टमेंट रेलवेज में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। पिछले बजट में कुछ 1.5 लाख करोड़ का बात हुआ था, और अब भी इस साल भी काफ़ी पैसा रेलवे में जाएगा, तो इसमें भी जो अच्छे स्टॉक्स हैं आप ले सकते हैं। मेरा सवाल है कि ये जो कंपनीज अभी बायबैक कर रही हैं अपने शेयर्स, ये जो भी प्राइस पे ये लोग बायबैक करते हैं, तो मतलब जैसे कल भी हमने देखा था आपके शो में ही देखा था कि ये कंपनी ने बायबैक किया और उसके बाद इतना फ्लक्चुएशन हुआ था शेयर्स में उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो ये हमें किस तरह से हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये अभी बायबैक करेगी तो हमें इसमें कितना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये कैसे हम लोग अंदाज़ा लगाएं इस बारे में? एक्चुअली इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि इस तरह से अंदाज़ा लगाया जाए, लेकिन आप दो चीज़ें हैं। पहली बात तो अचानक से आपको लग रहा है कि बहुत सारी कंपनियाँ बायबैक कर रही है, राइट? पहले तो नहीं करती थी, तो उसका रीज़न ये कि सेबी ने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, माफ़ कीजिएगा, सरकार ने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर जो टैक्स बढ़ा दिया था कि 10 लाख से ज़्यादा अगर डिविडेंड आपको मिलता है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। अब 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड आप और हम तो कमाते नहीं, कंपनी के प्रमोटर्स ही कमाते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी स्टेक होती है, तो उन लोगों ने रास्ता निकाला कि इसके बजाय बायबैक कर लिया जाए। जो कंपनी के पास कैश है, पैसा है, बायबैक करेंगे तो इक्विटी कम हो जाएगी, शेयर का दाम अपने आप बढ़ेगा, तो उस वजह से बायबैक ज़्यादा आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, बायबैक में आपको क्या देखना है, दो चीज़ें। वो बायबैक किस तरह का है? एक तो ये होता है कि बायबैक हम करेंगे, इतने शेयर खरीदेंगे इस प्राइस तक ओपन मार्केट से, तो उसमें कंपनी के ऊपर है, प्रमोटर्स के ऊपर है, वो नियत समय में 6 महीने 12 महीने में जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस दिन चाहे, वो जाकर शेयर धीमे धीमे खरीदते रहेंगे, उसमें कोई एक्साइटमेंट है नहीं। दूसरा बायबैक होता है टेंडर ऑफर वाला, जिसमें कंपनी ये कहती है कि हम इस प्राइस पर बायबैक करेंगे, ये फिक्स प्राइस है, ये डेट है, जैसे कि इन्फोसिस विप्रो में आया, ठीक है? तो वहाँ पर आपको पता है कि 1150 में इन्फोसिस बायबैक कर रही है, तो मुझे 1150 में शेयर दे देने, तो वहाँ आपको मालूम है कि अंदाज से कितने शेयर जाएंगे, कितने टेंडर होंगे, और वो उस हिसाब से आप कर सकेंगे। मेरे ख्याल से इन्फोसिस में अगर आपने बायबैक में पार्टिसिपेट किया हो तो 2 महीने में लगभग 10% का रिटर्न छूटा है ना, ज़्यादा छूटा होगा, मैं कुछ लोगों के ज़्यादा भी छूटा है, तो रिस्क फ्री टाइप रिटर्न है ऑलमोस्ट, वो दूसरा तरीका। अब बायबैक के अनाउंसमेंट के दिन शेयर कौन सा कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है, उसके 50 फैक्टर हैं। पहले कितना चल गया, बायबैक किस प्राइस में आया, किस साइज़ का आया, वो बहुत सारे फैक्टर हैं, तो उसमें फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता। आपको शुरू वाली दो चीज़ों पर फोकस करना है, ओपन ऑफर है वो टेंडर के जरिए है या ओपन मार्केट परचेज के जरिए, और उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए, ठीक है ना? थैंक यू। तो आज आपने देखा किस तरह से जयपुर के निवेशकों ने आज के शो में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और ये साबित कर दिया कि क्यों जयपुर के लोग इतने इंटेलिजेंट माने जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल किए, और अच्छी बात ये भी रही कि सारे इन्वेस्टर्स अब ये समझ चुके हैं कि पैसे कमाने का जरिया जो बाजार में है वो अच्छे शेयरों में है या फिर अच्छे म्यूचुअल फंड के तरीके से। तो कुल मिलाकर आज का शो मुझे उम्मीद है कि जयपुर वालों के लिए और आप सबके लिए बेहद फायदेमंद रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ठुकराल साहब आपका और सबरवाल साहब आपका हमारे शो में आज दर्शकों की मदद करने के लिए, और आप सभी जयपुर के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस शो में बड़े उत्साह से भाग लिया।
तो पहला कदम के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।